बन मुर्गी मतलब वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और बहुत थक गया हूँ, काम से आया था, बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 4 बजने को आ रहे हैं, शाम के 4 बजे। और आज प्लान हुआ है कि हम लोग गांव जा रहे हैं, तो शाम को हम लोग निकलने वाले हैं। बहुत कम टाइम है, पैकिंग करनी है, दोनों फ़ोनों में बैटरी भी नहीं है। अब करता हूँ पैकिंग, थक गया हूँ, रेस्ट भी करना है, टाइम बहुत कम है, जुकाम बहुत लगा है, दिल्ली में बहुत गर्मी है, मतलब अनबेरेबल गर्मी है, बाइक चलाते वक्त मतलब बुरी हालत हो रही है, और गर्मी का जुकाम भी लगा है मुझे। गाड़ी भी आने वाली है, बहुत जल्दी जल्दी करना है, फ़ोन पे बैटरी भी नहीं है, शूट भी करना है, समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा क्या होगा, पर लेकिन मैं कर रहा हूँ। पैकिंग के लिए सामान निकाल लिया, गर्मी बहुत है, कूलर भी चला रहा था, ठीक है। सामान मेरा सारा फैला हुआ है, कुछ अता पता नहीं है, लैपटॉप भी रखना है, वहाँ जाके एडिटिंग भी करनी है, गांव में बिजली आएगी नहीं, पावर बैंक भी लेना, मैं शायद कुछ भूल ना जाऊँ, कपड़े अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किए, वहाँ पे पता नहीं किसी की शादी वादी भी है, शादी का भी देखना है। सो बैग रेडी हो चुका है, पहनने के कपड़े निकाल लिए हैं, बैग बंद, अरे खनकने की आवाज़ आ रही है इसमें से, पैसे। मैं नहा वो लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। मम्मी और आंटी का शुरू हो गया, साड़ी ली है तो भैया तुम भी देखो, मैं भी लेती हूँ। तो अब हम निकलेंगे गांव की तरफ, और गाड़ी का वेट करना है, अभी 8 बजे की गाड़ी है। बाय बाय। गाड़ी तो मिली नहीं, ओला मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, हम चले रिक्शा से, रिक्शे के बाद ई रिक्शा। ओ मम्मी भी इन्वॉल्व हो रही है अब इसमें धीरे धीरे, तो आगे वाले ब्लॉग में शायद आपको मम्मी भी दिखे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी वाले से भी बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि 10-20 मिनट लगेंगे, तो 10-20 मिनट यहाँ पे मेट्रो के नीचे वेट करना पड़ेगा भाई, थक गए। बात मम्मी कर रही है पापा को फ़ोन, पापा से बात कर ले, पापा को एक बार इन्फॉर्म कर दे हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग इस गाड़ी में जा रहे हैं। वो भैया आ चुके हैं और ठीक है, चलो रेडी आ जाओ, सामान रखा रहे। तो दिल्ली का हाल सबको पता है, और अभी ट्रैफिक पर रुके हुए हैं, गाँव पहुँचेंगे कल सुबह। इतना गंदा जुकाम लगाया ना मुझे, अभी नहीं लगा है, तब से लगा हुआ, सुबह से, कल से लगा हुआ है। सबकी मम्मी का सेम हाल, बोतल भरो बोतल भरो बोतल का, ये देखो शुद्ध पानी, अभी तो गांव जा रहे हैं, फिर तो शुद्ध ही शुद्ध है, मिनरल वाटर है, अपना अपना गांव का पानी सबसे बेस्ट, मिनरल वाटर और नहीं तो क्या। ऐसी जगह गाड़ी रुकी है जहाँ पे लाइट ही नहीं है भाई, वो तुम्हें दिख रही है, ये हमारी गाड़ी है, ये जो ये है हमारी गाड़ी रुकी हुई है, और ये रहा ढाबा, यहाँ हम खाना खाएंगे, पर लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा, पेट इतना फूल है ना रास्ते में, मन नहीं करता बिल्कुल भी खाने का। मम्मी गई है पूछने के लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है, पर सच बताऊँ मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल खाने का, और अंधेरा इतना हो रखा है कि क्या बताऊँ, अभी तो ऊपर जाते जाते पता नहीं क्या क्या नज़र आएगा। अरे मम्मी आ गई, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आई ना लाइट, देखा एकदम से आई ना लाइट। तो अब ये चलेंगे यहाँ पे, खाना खाना है, खाना तो वो खाना है, कुछ मेरे को कुछ नहीं खाना, मेरे को भी कुछ खाना नहीं, खाएंगे बाद में, अब घर ही जाके खाएंगे सुबह सुबह। वो कुल्फी है, कुल्फी मैं नहीं खाऊंगा, इतनी अच्छी वाली जो होती है जो हम खाते हैं, बड़ी दूध वाली, मैं नहीं खाऊंगा। एक तो वैसे जुकाम लगा हुआ है, मैं नाक ही साफ कर रहा हूँ तब से पूरी गाड़ी में, मैंने इंजॉय तो किया ही नहीं अभी तक, मेरा हैंकी ऐसा हो गया ना, मैं बता रहा हूँ एक दो और रखने चाहिए थे, ठंडा ले लिया जाता ना पानी, अरे फिर गई लाइट, क्या प्रॉब्लम हो रही लाइट की, पता नहीं लाइट क्यों जा रही है, वो चिप्स तो हमारे पास है, बिस्किट है बस। भाई जुकाम इतना लगा है कि रास्ते में चाय पीने के लिए रुका हूँ, ठीक है, और स्प्रिंग रोल मिल गया तो सोचा वही खा लूँ, तो स्प्रिंग रोल भी ले रहे हैं, और गाड़ी रुकी है क्योंकि रामनगर से ऊपर तो जाएगी नहीं, क्योंकि जेन कॉर्बेट
जंगल है जहाँ पे 4 बजे से पहले वहाँ पे एंट्री नहीं है, ऊपर मैं अपने गांव जा नहीं पाऊँगा 4 बजे से पहले। तो भैया गाड़ी यहीं पे रुकवा के स्प्रिंग रोल और चाय खा लेता हूँ, क्योंकि भैया बहुत गंदा जुकाम लगा है तब से। मम्मी ने एक मेडिसिन दी है और उस वजह से थोड़ा मैं अभी स्नीजिंग थोड़ी कम है, वरना पहले मेरी नाक ऐसी बह रही है, मतलब पता नहीं इतने सालों बाद गाँव आ रहा हूँ तो एटमोसफेयर कैसा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, छींकों पर छींकें आ रही है, अभी भी आने वाली है। बहुत बुरा हालत हो रखी है। तो आधी रात को स्प्रिंग रोल और चाय, जुकाम ऐसा हो रखा है कि पीनी पड़ रही है। रामनगर पहुंच चुके हैं, नींद भी कैसी आई है खुद नहीं पता है, और जुकाम तो तुम्हें पता ही है, नाक बह रही है और ऐसे बह रही है जैसे जैसे नल हैंकी, ऐसा लग रहा है कि एक और लेना पड़ेगा। हाँ ले लो, बहुत बुरी हालत है भाई नाक की। रामनगर पहुंच चुके हैं, रामनगर घुमाता हूँ, यहाँ से आगे चलेंगे 4 बजे के आसपास, क्योंकि जिम कॉर्बेट का एरिया है थोड़ा। ये है रामनगर, देखो जितना ज़बरदस्त है ना, अभी तो रात का टाइम है, इसमें तुम्हें ऐसा लग रहा होगा अगर यही अभी सूरज और सुबह होती ना सूरज के साथ, बहुत ही बढ़िया लगता। इतनी भीड़ लगती है, अब जो भी पर्यटक या फिर बाहर से कोई लोग आते हैं वो सबसे पहले यहीं पे एंजॉय करते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ेदार यही चीज़ है। और बैठ गए चाय पीने के लिए, आधी रात के 4 भी नहीं बजे अभी, और 4 बजने से पहले गया तो ये हालत है कि मतलब गले से आवाज़ नहीं निकली, बहुत बुरी हालत थी अभी। अभी तो बस भी नहीं चली, 4 बजे से तो गेट खुलेंगे। रामनगर से चल दिए, अभी भी आंखों में नींद हो रही है, अभी घर पहुँचते पहुँचते हो जाएंगे 8, अभी खुलेगा जिम कॉर्बेट यहाँ से, बहुत मज़ेदार व्यू होगा। तो लेकिन अभी पता नहीं कुछ जंगली जानवर भी मिल सकते रास्ते में, पता पता नहीं। एज पर मम्मी कैमरा थोड़ा आगे लो, कुछ दिखे तो बात है, टाइगर दिख जाए ना तो पहले गाड़ी के अंदर भी बैठे रहना, वो भी है बाहर मत निकल जाना देखने को। बस एक बार हम लोग ऐसी गाड़ी में बैठे थे, ठीक है आपने जो गाड़ी लगी है ना बस में बैठे हो छोटी वाली, आगे पता नहीं अंधेरे में वहाँ पे जिम कॉर्बेट में वहाँ पे हिरन ने एक झटका मारा एकदम वैसे उछला सामने से कांच के सामने, सोचो वो बस कितनी ऊपर, ड्राइवर एकदम हिल गया 2 मिनट के लिए कि क्या कूदा है, कांच भी चटक गया अंदर से, हिरन ऐसे दौड़ पड़ा और मैं बैठ के आगे मस्त एकदम मजे ले रहा था, उसका तो ऐसा हो गया। एक बार बीच में ना क्या था यहाँ वो क्या थे बारहसिंगा नहीं होता, अरे वो वो मेरे साथ होता की गाड़ी के पीछे दरवाजे में टकरा गया, पूरा पूरा नुकसान कर दिया, पूरा डर लगता है उनसे बहुत। सनराइज होगा ना तो और मजा आएगा। बन मुर्गी मतलब चाखुड़ बोलते मुझे लग रहा है। फाइनली पहुंच गए, उधर देखो चाचा, पहला आग। कैसे हो? सब बढ़िया। रुको रुको मैं ले लेता हूँ, ले रहा तुम ड्यूटी निकलो चलो काम वाले। हाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है फिर निकलो, लेट नहीं होगा ना। हाँ बस भैया, नहीं तो आ जाओ।
डस्की को पकड़ ले। हाँ डस्की को पकड़ ले, बताए क्या जीता रहे, बताए ना, जीते रहो जीते रहो, बताए ना। हाँ रोहित हमारे, वाह इसको पटो ले पहले तो, चलो तो पहले। अरे एक और है, अकेला वही नहीं है। घर पहुंच गए और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। मैं बहुत थक गया हूँ, बाय। Oh,